हेलो दोस्तों, मैं अनिल जेठुड़ी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सुबह के 8:30 बजे से, और आप देख सकते हैं धूप भी खिल चुकी है और मौसम देख सकते हैं आज का सुबह का नज़ारा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो फूल लगे हुए हैं, ये है छेमी के फूल, और छेमी को हम 12 छेमी भी बोलते हैं। तो इसकी बेल कम से कम 2-3 साल तक अगर कोई रखना चाहे तो चल जाती है, मतलब 3-4 साल तक। तो बहुत अच्छी अभी होती है इसकी छेमी, आप देख सकते हैं इस प्रकार होती है कुछ। तो इसके जो बीज होते हैं वो शायद लाल होते हैं, तो आप देख सकते हैं। और अब सर्दियों में मार्केट में सब्जी कम ही लेते हैं लोग, तो अपने घर में इसी प्रकार बोए रहते हैं बीज। तो और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाली ये दाल है तोर की, तो सुखाने के लिए डाल रखी है आप खेतों से, घर लाने लग गए हैं। थोड़ा कच्ची होगी पर थोड़ा कच्ची होगी तो इसलिए ला रहे हैं लोग, क्योंकि बंदरों ने तोड़ तोड़ के और आधा खा के और आधा तोड़ के मतलब खराब कर दी है तोर की दाल। दोस्तों, श्याम के बज चुके हैं 4, तो मैं पहुंच चुका हूं अपने सगोड़े में, और यहां पे अभी मुझे पहले इसको खनना पड़ेगा और उसके बाद लगाएगी मेरी माँ आलू और कुछ हरी सब राई, पालक और लेट्यूस के बीज हैं, तो वो भी डालेंगे हम यहां पे। तो जल्दी जल्दी खनते हैं इसको। और और दोस्तों, अब लगा रहे हैं हम आलू, तो मेरी माँ ने कुछ लिए बना लिए हैं आलू के लिए, तो आलू भी लग चुके हैं उनमें। और ये है हमारे आलू जो रखे थे बीज के लिए लाए थे, तो ये बहुत ज़्यादा अंकुरित हो चुके हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं लगा, आजकल खेतों में भी काम है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अंकुरित हो चुके हैं। तो अब लगाते हैं आज इनको, करते हैं इनको समाप्त। और दोस्तों, अब हमने सारे आलू भी लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं, और सारी हरी सब्जी भी, राई, पालक, लेट्यूस,
सब बो दिए हैं। और आज हवा चल रही है बड़ी तेज, मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो रखा है। और दोस्तों अब करते हैं हम वीडियो को यहीं पे समाप्त। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड और जय माँ चंद्रवनी।